हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिदा शेख और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन आजकल कोरोना वायरस के हवाले से आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ एहतियाती तदाबीर और जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि कोरोना वायरस के जो पाकिस्तान में मरीज़ हैं उनकी तादाद हो चुकी है 185 और लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, फ़्लाइट्स अभी भी आ जा रही हैं, तो खदशात जो है वो मरीज़ों की तादाद में इजाफे के खदशात अभी भी मज़ीद बढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं, जो मैंने नोटिस किए कि मुझे वो उसके बारे में बात करनी चाहिए आप लोगों से। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है वो ये है कि लोग इस हालात से, जो हालात हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के जो हालात हो चुके हैं, लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो सामान है वो ख़रीदारी कर करके स्टॉक कर रहे हैं। जब बरतानिया में रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए लोग जब स्टोर्स में जमा हुए तो वहाँ पे इतनी भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और उनमें हाथापाई भी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको वन बाय वन बारी का अपने इंतज़ार करना चाहिए। इस तरीके से तो हम और मज़ीद क्राइसिस में गिर जाएंगे। अपने जो हालात हैं कोरोना वायरस से, जो हमें हालात मिल रहे हैं ज़िंदगी के, उनसे हमने फ़ाइट करनी है। तो अगर हम इस तरह से एक दूसरे से फ़ाइट करेंगे तो हम कैसे कोरोना वायरस से कैसे फ़ाइट कर सकेंगे। तो हमें इस तरह की सूरत हाल से बचना चाहिए और लोगों को जितनी ज़रूरत हो उतना अभी फ़िलहाल के लिए सामान खरीदें और दूसरों के लिए भी थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि अगर सारे स्टोर्स खाली हो जाएंगे और कुछ लोग ही अगर सामान लेके अपने घरों पर चले जाएंगे तो बाकी लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये है कि उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। मुतालबात क्या होंगे आजकल कोरोना वायरस के हवाले से? उनको किट्स चाहिए और ये उनका हक भी है, क्योंकि जब वो किट्स नहीं पहनेंगे तो अगर वो मरीज़ को चेक करेंगे तो मरीज़ को चेक करने से पहले तो उसकी अपनी ज़िंदगी उसको प्यारी है। तो किट्स का होना बहुत ज़रूरी है भाई। उनके डॉक्टर्स के जो सेहत है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने बिल्कुल मरीज़ों को चेक करने से इनकार कर दिया कि जब तक उनके पास किट्स नहीं आएंगी तब तक वो मरीज़ों को चेक नहीं करेंगे। जो पंजाब का पहला कोरोना वायरस का मरीज़ आया उसके बारे में भी यही सुना है कि उसको जिस डॉक्टर ने चेक किया वो बग़ैर किट के किया, तो कितना ये डेंजर है एक तरीके से, उसकी भी फैमिली है। तो किट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान के हालात और वाकयात हैं उसके हिसाब से, ये मेरी सिर्फ एक ज़ाती राय है, उसके हिसाब से हमें अपने घरों पर ही अपने आप को महदूद करना चाहिए अभी से ही। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी किट्स नहीं मिल रही हैं, ये भी एक पाकिस्तान की डेंजर सूरत हाल है। तो अगर हम जाके हॉस्पिटल में कहीं ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे तो हम, मुझे लगता है कि मज़ीद हम मुश्किलात में गिर जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ताकि हम वहीं पे अपना खाना पीना, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाएं। कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है वो हवा के ज़रिए नहीं फैलता, ठीक है, हवा के ज़रिए नहीं फैलता, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हवा से अगर नहीं फैलता, लेकिन आप पाकिस्तान के हालात देखिए, पाकिस्तान में लोग पान खाते हैं, मैंने जगह जगह देखा है पानों के धब्बे लगे होते हैं, जो थूकने के धब्बे लगे होते हैं, लोग जगह जगह पे थूकते हैं और उसकी वजह से आजकल जैसे कोरोना वायरस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मज़ीद बढ़ गए हैं। तो उससे क्या होगा कि लोग जब थूक रहे हैं वो मिट्टी में भी थूकते हैं, दीवारों पे थूकते हैं, उससे हवा में मेरे ख्याल से हवा में वो जर्म्स रह जाते हैं, और फिर उसके बाद जब हवा चलती है वो उड़ के जो हमारे घरों में डस्ट आ रही है, मुझे तो वो भी वायरस ही लग रहा है। तो अपने घरों की सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जगह जगह थूकने से परहेज़ कीजिए, और क्योंकि आपकी अपनी सेहत है तो दूसरों की सेहत है। आप अपनी सेहत चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों की सेहत का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये वायरस एक ऐसी चीज़ है जो
दूसरों को लगेगा, आपको दूसरों की फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों को अगर लग गया तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आप अपने आप को अगर सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो फिर दूसरों को सफाई और सुथराई का, दूसरों की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखिए, लेकिन एहतियात अपनी जगह है। तो मुझे ये चीज़ जो है वो सही नहीं लग रही कि डस्ट वगैरह घर में जो आ रही है वो भी अगर आप उसको क्लीन करते रहें साथ साथ तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्टोरेंट जो हैं वो अभी तक खुले हुए हैं और लोग उसमें आ जा रहे हैं, पार्टीज़ भी अभी तक चल रही हैं और इवेंट्स भी कुछ कुछ चल रहे हैं, तो उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं तो वो भी उनमें वायरस फैलने का भी खतरा है। जो हम फूड खा रहे हैं वो एक दूसरे के हाथ उसमें लग रहे हैं, किसको है किसको नहीं है कुछ कह नहीं सकते। तो इस हिसाब से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी मेरे हिसाब से अभी उनका खुलना भी ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल से सब चीज़ें बंद करनी चाहिए, जहाँ पे जितने भी एरियाज हैं जहाँ से उसके फैलने का, वायरस के फैलने का खतरा है। और वैसे भी वज़ीर आला ने कहा है 10 बजे तक का कि 10 बजे बंद कर दीजिए वरना वो टोटली बंद कर देंगे, तो ये उनका स्टेप है। तो मेरे ख्याल से तो रेस्टोरेंट्स भी जो है वो बंद होने चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जो है वो भी लोगों का आना जाना लगा रहेगा तो फिर वो भी मज़ीद फैलेगा। क्योंकि अभी मैंने अभी लास्ट टाइम न्यूज़ में देखा कि 3 फिट दूर रहने का कहा गया है। पहले तो 1 मीटर की दूरी का कहा जा रहा था, लेकिन अब जिसको वायरस है उससे 3 फिट दूर रहने का कहा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो जो टेस्ट है इसका वो एक तो इतना एक्सपेंसिव है, और दूसरा अगर किसी को है और हमें मालूम नहीं है कि इसको वायरस लग चुका है तो उससे उसका जब पता ही नहीं है तो उससे कैसे 3 फिट का फासला रखा जा सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बंद करेंगे तो ही दूरी होगी। अब जहाँ तक करेंसी की बात है तो करेंसी जो है वो मेरा तो पहले ही दिल होता है कि मेरे पास थोड़ी सी सही हालत में करेंसी आए जो मैं अपने उसमें क्लच में पर्स में रखूं, और दूसरों को देते हुए भी सही से लगता है। पर क्योंकि मुझे भी एतराज़ होता है कि करेंसी फटी हुई ना हो, गंदी ना हो, क्योंकि उसको हाथ में लेते हुए ही आपको बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन करेंसी जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इधर उधर मूव हो रही है और करेंसी का जो है बहुत बुरा हाल होता है। और स्पेशली जो है करेंसी को आजकल तो पकड़ते हुए ऐसे लग रहा है कि वायरस आपके हाथ में आ रहा है, क्योंकि वो करेंसी आपकी जो है, आपके जो नोट हैं, रुपीज़ हैं आपके, वो कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है फिर उसके बाद उस हाथ से आपके हाथ में आए हैं। तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा मुझे उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ कि करेंसी आपके पास जो है वो इस हालत में एक से दूसरे हाथ में ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करिए। हाथों को वॉश करने के बाद भी तसल्ली नहीं हो रही है, हम सिर्फ अल्लाह पे ही तवक्कल कर सकते हैं इसके बाद। उसके अलावा नमाज की पाबंदी, नमाज और दुआओं की तरफ अल्लाह ताला पर तवक्कल कीजिए, और क्योंकि हम अपनी तरफ से एहतियात कर लेते हैं लेकिन जो होना है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होना है। तो अपने आप को मसरूफ़ रखिए, घर में भी अपने आप को मसरूफ़ रख के अपने जो माइंड को ज़हनी दबाव से बचाइए, और इससे डरना से भी हद तक है कि हमने अपने आप को इससे एहतियात करवानी है, इस वायरस से हमें अपने आप को बचाना है, बाकी सारी मर्ज़ी अल्लाह की। तो मैं अब अपने अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियोस देख के चले जाते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।